दोस्तों मैं जितेंद्र टेक फोन से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है LG का LG V40 थिन क्यू स्मार्टफोन जो कि कुछ महीने पहले इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों आज मैं इसका आपके पास डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ। दोस्तों पहले इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो पीछे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी दोस्तों ब्रांडिंग दी गई है LG V40 थिन क्यू। और जहाँ तक दोस्तों इसके बॉडी की बात करें तो ये ग्लास और मेटल का सैंडविच डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड फ़ोन है ये। और पीछे दोस्तों ये ग्लास डिज़ाइन है लेकिन ये फ्रोस्टेड है। आपको लगेगा कि ये मेटल है लेकिन ये ग्लास है और इसको ये मैटेड फिनिश दी गई है। इससे जो फिंगरप्रिंट के जो आपके इसमें आने के चांसेस बहुत कम हैं। और पीछे दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पीछे दिया गया है। और नीचे दोस्तों LG की ब्रांडिंग दी गई है। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि सिम स्लॉट दिया गया है। ये पावर बटन है। लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों वॉल्यूम रॉकर्स हैं अप एंड डाउन करने के लिए। और ये दोस्तों डेडिकेटेड बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट को चलाने के लिए। और जहाँ तक इसके और डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एजिज है कर्व्ड है, तो आप इसको इजिली सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लाइट वेट फ़ोन है, कोई ज़्यादा हैवी फ़ोन नहीं है। और जहाँ तक दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव डिस्प्ले है। 6.4 इंच का डिस्प्ले है। नॉच डिज़ाइन है और एस्पेक्ट रेशियो है 19:5:9। और ये ऑलिड फुल व्यू डिस्प्ले है। और इसकी रेजोल्यूशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, 3120x1440 इसकी रेजोल्यूशन है। और काफ़ी दोस्तों आपको इसमें आनंद आएगा जब आप इसमें कोई भी आप वीडियो कंटेंट देखेंगे या आप कोई आप गेमिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आपको दोस्तों ये इमर्सिव फीलिंग इसमें आएगी। और ये दोस्तों LG का इस फ़ोन का ये बहुत बड़ा एक फीचर है। जहाँ तक दोस्तों इसके बात करें इसके और हार्डवेयर की, तो दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर। काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेसर है। 6 GB रैम के साथ दोस्तों ये आता है। और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों वो है 128 GB, जिसको कि आप 2 TB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। 3300 mAh बैटरी है इसमें और ये फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। ये तो दोस्तों बात हुई इसके हार्डवेयर फीचर्स की, तो अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों इसको मैंने फ़ोन को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। जहाँ तक 845 प्रोसेसर की बात करें, हालांकि ये लेटेस्ट नहीं है क्योंकि लेटेस्ट 855 है। और जहाँ तक बात करें इसके प्रोसेसर की दोस्तों, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसेसर है दोस्तों। इसमें आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, PUBG बहुत अच्छी तरह खेल सकते हैं और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा जो दोस्तों मेरे को जो इस पर कंसर्न लगा, जब आप बहुत ही हैवी यूसेज करते हैं तो हल्का सा फ़ोन दोस्तों हीटअप होता है। और ये शायद किसी सॉफ्टवेयर का कोई बग है, शायद इससे ये ठीक हो जाए। अदरवाइज इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज इज़ मोर देन इनफ। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें जितने भी ऐप्स चलाना चाहें कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा प्लस फीचर है। जहाँ तक दोस्तों बैटरी की बात करें, हालांकि 3300 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्ज के साथ है, लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं फ़ोन को तो शायद आपको ये अगर मॉर्निंग में चार्ज करते हैं तो शायद आपको इवनिंग में ये फिर चार्ज करनी पड़ जाए। ये दोस्तों इसका एक और छोटा सा कंसर्न है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और दोस्तों इस फ़ोन की जो सबसे जो मेरे को बहुत बढ़िया जो इसका फीचर लगा है वो है दोस्तों इसका ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। दोस्तों इसमें 16 MP का सुपर वाइड लेंस दिया गया है विद f1.9 अपर्चर। दूसरा है 12 MP का दोस्तों स्टैंडर्ड लेंस। और तीसरा है दोस्तों 12 MP का टेलीफोटो लेंस जो कि f2.4 अपर्चर के साथ आता है। और जो स्टैंडर्ड लेंस है 12 मेगापिक्सल का, वो f1.5 अपर्चर के साथ आता है। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही फीचर्स मिलेंगे। पोर्ट्रेट है, ट्रिपल शॉट का फीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा है,
ट्रिपल शॉट में मैं अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि ट्रिपल शॉट में दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई इमेज खींचना चाहते हैं तो ये आपको तीनों लेंस से एक ही इमेज को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में खींचेगा, जिसको कि आप एक वीडियो बना सकते हैं तीन जो तीन लेंसेज से जो आपने इमेजेस खींची हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा प्लस फीचर है। और इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें और भी कई फीचर मिलेंगे, जैसे इसमें आपको ऑटो का फीचर है, मैनुअल फीचर है, फूड का फीचर है, सिने वीडियो का फीचर है, पैनोरामा का फीचर है, फ्लैश जंप कट है, सिने शॉट आप खींच सकते हैं, स्लो मोशन आप शॉट खींच सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक कैमरा की बात करें तो कैमरा तो दोस्तों इसका बहुत ही लाजवाब कैमरा है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मैंने ये ट्रिपल शॉट का फीचर लिया हुआ है। एक ही जो इमेज है तीन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आपको दिखाएगी और ये आपको एक वीडियो के रूप में दिखाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पहला शॉट था, ये दूसरा शॉट है और ये दोस्तों तीसरा शॉट है। तो ये दोस्तों इसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। और जहाँ तक दोस्तों क्वालिटी ऑफ कैमरा की बात करें तो बहुत ही आपको इसमें लाजवाब फोटोग्राफी करने का एक दोस्तों इसमें आप मिलेगा आपको। और ये देखिए, ये मैंने दोस्तों डे लाइट में कुछ इमेजेस कैप्चर किए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया फीचर दोस्तों इसमें आपको मिलेंगे। ये भी दोस्तों ये ट्रिपल शॉट का है, ये देखिए, ये इट्स प्रिपेयरिंग ट्रिपल शॉट वीडियो। ये देखिए, ये फर्स्ट इमेज थी, ये सेकेंड इमेज है और ये थर्ड इमेज है। तो दोस्तों ये ट्रिप, ये जो इसका फीचर है ये बहुत ही किसी और शायद आपको कैमरा में नहीं मिलेगा। और जो दोस्तों इसमें आपके जो इमेजेस हैं बहुत ही बढ़िया, ये देखिए डे लाइट में खींचिए कितनी क्लियर इमेजेस है, आपको डेप्थ मिलेगा, शार्पनेस मिलेगी। तो जहाँ तक दोस्तों इसके कैमरा की बात करें तो आप जो इसका कैमरा है दोस्तों, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन भी यूज़ किए हैं लेकिन इसका दोस्तों जो कैमरा है बहुत लाजवाब है और ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैं कह सकता हूँ फ्लैगशिप फ़ोन में। और डे टाइम में तो दोस्तों इमेजेस बहुत ही अच्छी आ रही हैं इसमें, और नाइट में थोड़ा सा दोस्तों आपको नॉइज़ मिलेगा, अदरवाइज़ इसमें दोस्तों आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में भी दोस्तों दो कैमरा दिए गए हैं। 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद f1.9 अपर्चर, सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का विद f2.2 अपर्चर। और इससे भी आप दोस्तों डे टाइम में तो बहुत अच्छी सेल्फी निकाल सकते हैं लेकिन जब लाइट कम हो या बहुत ही नाइट टाइम हो तब दोस्तों इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज दोस्तों कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इसके 5 कैमरा हैं, 3 पीछे 2 आगे, ये बहुत ही बेखूबी इसका ये चलते हैं और बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसका आपको फीचर इसमें दिया गया है। और मैं दोस्तों बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ जो इसके कैमराज हैं दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, इस वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन स्मार्टफोन जो कि अभी रिसेंटली जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च हुए हैं। अगर आप बहुत ही फोटोग्राफी एंथुजियास्ट हैं तो आप डेफिनेटली दोस्तों इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके और फीचर की, तो इसमें नीचे जैसा कि आप मैं बता दूँ USB टाइप सी पोर्ट दी गई है, 3.5mm का हेड जैक दिया गया है और इसमें दोस्तों जो साउंड के लिए बूम बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी ऑडियो आउटपुट की। और इसमें दोस्तों ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है, IP68 इसकी सर्टिफिकेशन है। और दोस्तों ये चलता है एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर 8.1 के ऊपर। ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें मेरे को दिक्कत लगी कि इसमें लेटेस्ट इसमें OS नहीं है गूगल का, ये शायद आने वाले टाइम में वो इसको अपडेट भी कर दें लेकिन फ़िलहाल ये एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर ही है। और दोस्तों इस फ़ोन की जो प्राइस रखी गई है वो है 49,990 रुपीज़, यानी कि अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आपको अपनी पॉकेट से 50,000 रुपीज़ निकालने पड़ेंगे। ये दोस्तों थोड़ा सा मेरे को प्राइस ज़्यादा लग रहा है, जैसा कि आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं। अगर इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तो OnePlus 6T से होगा या सैमसंग के 10E फ़ोन से होगा।
अदरवाइज दोस्तों जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं वो तो है दोस्तों इसका कैमरा, कैमरा इसका दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको बहुत फीचर मिलेंगे, सिने क्वालिटी का आप इमेजेस निकाल सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं, और इसकी दोस्तों जो डिस्प्ले है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। सनलाइट विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, और 845 प्रोसेसर है। हालांकि अब जो जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं वो 855 प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। और जहाँ तक बात करें इसके ऑडियो आउटपुट की, तो वो भी दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात करें, फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है, और इसमें आपको फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है, वो भी काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों ओवरऑल जो फ़ोन है ये वर्थ कंसिडरिंग फ़ोन है, अगर आप कैमरा एंथुजियास्ट हैं और आप कैमरा के साथ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techwarm.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।